सोच रही थी कि हमें एक नई गाड़ी भी खरीद लेनी चाहिए बाबा। हाँ बिल्कुल खरीदेंगे, और जब बोर हो जाएंगे तो गाड़ी चोरी करवा कर इंश्योरेंस के पैसे निकाल लेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने के लिए। फिजा, हाँ बोलो। मेरी जान मेरी बात सुनो। समझ सकता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रही हो। जानता हूँ, कोई बात नहीं। एक्चुअली कुछ यूं हुआ कि जमील से डील हुई थी ना यार, कि मैं रियल आईडी कार्ड ही लूंगा। जानती हो, अगर मैं कुछ गैर कानूनी करूंगा तो जेल की हवा खाना होगी। कुछ नहीं होगा, फिक्र नहीं करो। एक दफा दोबारा तुम्हारा एक्सीडेंट करवा देंगे, ठीक है ना? गर्मी आ रही है, कह देंगे कहीं तैरने के लिए गए थे और डूब गए वहाँ। हाँ, लेकिन उससे पहले उसकी दोबारा इंश्योरेंस करवा लेना, ताकि दूसरी बार भी पैसे मिले। फिजा, बाबा सही कह रहे हैं, तुमने मारवी को बुला लिया है ना? हाँ, आज डिनर के लिए वो आ जाएगी ना, फिर नेहा की नई चालें भी बता देगी हमें, और फिर हम नेहा की बुराइयां भी करेंगे मिलकर, सही है ना? खड़े क्यों हो तुम? उसे कॉल करो। मैं कर दूंगा उसे, लेकिन तुम मेरी बात सुनो पहले, ठीक है? मैं समझता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, इट्स ओके, सबक सिखाना चाहती हो, ठीक है, अच्छा है। इस गुस्से में जो कुछ तुम कर रही हो मेरे साथ, बहुत अच्छा कर रही हो, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम वो पैसे लेने के लिए नहीं जाओगी, तुम सिर्फ गुस्से में हो और तुम पैसों की बात भी मुझे तंग करने के लिए कर रही हो। मेरी इंश्योरेंस के पैसे लोगी, मजाक कर रही हो? सीरियस हूँ मैं, मजाक क्यों करूंगी? तुम तो जानते हो मुझे हाई स्कूल से ग्रेजुएट करने का शौक था, तो इन पैसों से मुझे मदद मिल जाएगी और मुझे जॉब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरह से तुम्हें भी एक ग्रेजुएट बीवी मिल जाएगी जो कि अमीर भी है। यानी कि तुम बाज नहीं आओगी? हाँ बिल्कुल। अच्छा बासित, मैं सोच रही थी कि शादी के बाद हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए, मगर जब इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे तो हम लोग दुनिया घूमेंगे, और मुझे पेरिस बहुत पसंद है, एक काम करेंगे वहीं चलेंगे, और वहां से हम दोनों बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, अच्छा आइडिया, वेरी नाइस, बिल्कुल हमें चलना चाहिए। जाओ पैसे ले लो, खर्च करेंगे दिल खोल के, अय्याशी करेंगे यार, मजा करेंगे। लेकिन एक और बात, पासपोर्ट नहीं मेरे पास, जानती हो ना तुम, तो मुल्क से तो हम लोग बाहर जा नहीं सकते, इसलिए यहीं पर कुछ न कुछ मैनेज करना पड़ेगा। मगर मैं तो बिना पासपोर्ट और वीजा के दूसरे मुल्क हो आया हूँ। मैं ही लेकर गया था आपको। और वापस भी लेकर आए थे। अरे तो अच्छा आइडिया है, मुझे वो जगह पसंद आई थी, तो ठीक है वहीं चल ले। अच्छा तुमने मारवी को कॉल नहीं की? हाँ, भूल गया था। अभी क्या कह रहे बातें कर रहे हैं, इस वक्त ये वक्त नहीं है उन बातों का। क्या हुआ बस? अरे यार मैं तो समझो गया, मारा गया। वो जरूर पैसे लेने के लिए जाएगी, क्योंकि उसे मुझ पे गुस्सा है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करना चाहती है। बाबा ने पता नहीं आप पे क्या जादू कर दिया है, मुझे समझ नहीं। हाँ वाकई में यार, तुम्हें पैसे ले लेने चाहिए, बाद में वापस कर देना उन्हें। हाँ तुरान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बासित, इस वक्त हमें नेहा वाले मसले पे फोकस करना चाहिए। मुझे कुछ नहीं मालूम ये सब कैसे होगा, मेरा दम घुट रहा है यार, वाकई मर जाऊंगा मैं। हटो जरा, ताज़ा हवा चाहिए। पता नहीं क्या, तुम्हारा भी एक ही मकसद होना चाहिए और वो है नेहा से छुटकारा, क्योंकि उसके लिए काफी नहीं कि तुम मर चुके हो। ठीक कह रही हो यार, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है मुझे कुछ और सोचना होगा, कुछ और करना होगा, जिससे वो अपनी चाले चलना बंद करते। बिल्कुल, मुझे मारवी को फोन करना चाहिए, ये ख्याल पहले क्यों आया मेरे दिमाग में? बिल्कुल मारवी। हाँ बिल्कुल, हाँ उसी से बात करो, क्या पता उसे कुछ मालूम हो। इसको उस लड़की पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे कंट्रोल में हर चीज, इसलिए को परेशानी की बात नहीं। ठीक करने के चक्कर में बिगाड़ मत देना। कुछ नहीं होगा, मैं कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। मारवे, मारवे तो यहाँ है, कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तो मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? बहुत मसरूफ थी भाई, मुझे लैब से एक रिपोर्ट मिली है, बस वही पढ़ रही थी। तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट करवा चुके हो? हाँ करवाया था मैंने, तो क्या हुआ? ये लो खुद ही देख लो, तुम सच कह रही थी ना मैं। तो भाई तुम्हारे लिए मैं कब्र तक में उतर गई, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया। तो और क्या करता, अचानक से कोई आया और बहन बोले खुद को, तो क्या कंफर्म नहीं करूं? खैर मुझे यकीन हो गया। चलो अच्छा है, यकीन आ गया, अब आगे क्या करना है? करना क्या होगा, बहन भाई हैं हम, एक फैमिली। यानी बाबा को ढूंढने में मेरी मदद करोगे ना? अब तो मुझे धोखा नहीं दोगे ना?
मैंने सारी जिंदगी बहुत डर के गुजारी है। अम्मी के मरने के बाद भी मुझे बिल्कुल नहीं पता था मेरा बाप कौन है। मुझे तो लगता था कि मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मैं बहुत अकेली हूं। खैर, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत को। तुम्हें भी बाबा ने बहुत दुख पहुंचाए हैं, लेकिन मुझे तो ज्यादा दुख दिया है इस तरह छोड़कर। समझ रहे हो ना तुम? वो मेरे कर्जदार हैं, हर मामले में वो मेरे कर्जदार हैं, और अब मुझे मेरा कर्ज वापस चाहिए उन सब दिनों के लिए जो मैंने गुर्बत और मुश्किल में गुजारे अपनी माँ के साथ। मुझे मेरा हक चाहिए। मैं भी चाहती हूँ वो मुझे अपनाए, ताकि मैं दुनिया के सामने कह सकूं कि वो मेरे बाप हैं। मुझे भी मेरे बाप की जायदाद में से हिस्सा चाहिए। अब बताओ मैं कहाँ गलत हूँ, क्या बुरा किया है मैंने? नहीं गलत किया। नहीं, संभालो अपने आप को। सुनो, तुम बुरी नहीं हो, ठीक है? वो इंसान बुरा है, सर्वताक्तन। रो मत ऐसे। ठीक है, वादा करता हूं मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है? वादा कर रहा हूं तुमसे, उस शख्स को तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाऊंगा, और उस शख्स की तुम बेटी हो साबित कर देना, और उसकी जायदाद से तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा। क्या वाकई भाई? हाँ वाकई, खुदा करे ऐसे हो। नेहा से जान छूट जाए फिर देखते हैं कि क्या करना है। फिजा भी नाराज होगी मुझसे। हर किसी की जिंदगी अजीबोगरीब चल रही है, सब ठीक करना है मुझे। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं उन्हें ढूंढ लाऊंगा, समझ गए? ठीक है, मगर मैं तो नेहा को यकीन दिला चुकी हूँ कि तुम मर चुके हो। अरे इससे कुछ नहीं होगा, तुम नहीं जानती हो। उससे मुकम्मल तौर पे जान छुड़वानी है, वरना कहीं सुकून से नहीं रह सकूंगा मैं। तो इसलिए उसके घर में जो कुछ भी तुम्हें मिले वो तुम ले आना, कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई भी अहम चीज जो कहीं हमारे काम आ सके, समझ गए? ठीक है, जैसा तुम कहो। अब रोना मत ऐसे, ओके? चलो चल के फिजा को बताते हैं हम दोनों, शायद उसका गुस्सा ठीक हो जाए हमारे टेस्ट के बारे में सुनके। हाँ एक बात और, फिजा कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है, समझ गए? हमने उसके साथ कुछ अच्छा भी तो नहीं किया ना। अगर वो तुम्हारे साथ थोड़ा अजीब सा बिहेव करे तो एक काम करना, बुरा मत मानना, ठीक है? ठीक है, तुम फिक्र मत करो। दरवाजे पर कोई है? तुम रुको, मैं देखती हूँ जाकर। गुड मॉर्निंग, मैं निमरा, ये घर मेरा है, फिजा से मिलना है मुझे। वो तो घर पर नहीं है, वो मेरी भाभी, आप मुझे बता दें। हाँ ठीक है, तुम्हें बता देती हूँ। बेटा हमारा ये घर डिमोलिश हो रहा है, मैं यहाँ यही बताने आई थी फिजा को। क्या मतलब क्यों डिमोलिश हो रहा है? ये कोई नया तरीका है घर खाली कराने का? पूरी बिल्डिंग डिमोलिश हो रही है और यहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनेगी। हाँ अरे बस यही सुनना बाकी रह गया था। चलें वो जब आएंगी मैं उन्हें बता दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। काश के एक एक करके आए ये सब। कौन?
हर्डल्स। यार फर्रुख, क्यों ना इसमें से एक खोल कर देखे। पहले खुद पर इसको यूज करते हैं हम लोग, वरना सोचो हम इसे बेचेंगे कैसे। हाँ ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल। एक क्रीम के पैसे दे देंगे उसको। हाँ मुझे भी देना, एक बार देख लूँ ये बनती कैसे। देख के तुम क्या करोगे फरोख, उसने बोला था ना कि फैक्ट्री में बनती है ये। आदमी अच्छा लगा मुझे, थोड़ी सी और देना। अब हम इससे खूब सारे पैसे कमाएंगे, अपने लिए फोन लेंगे और चीजें लेंगे, ताकि आपा से मांगना ही ना पड़े। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, पैसे आपा को नहीं देंगे बल्कि अपने पास ही रखेंगे। हाँ सोचो हम अमीर हो जाएंगे फिर क्या होगा। अमीर तो हो गए। गुड इवनिंग। आ चाय, मैं भी पीऊंगी प्लीज। फिजा कहाँ है? फिजा यहाँ नहीं है, फिजा फखरी साहब के साथ कहीं जरूरी काम से गई है। क्या वाकई में? हाँ फोन करके पता तो करूं मैं, कहाँ है ये दोनों। या अल्लाह आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं यहाँ अपने भाई के इसरार पर आई हूँ, हम तो एक ही फैमिली है ना अब। सही कहा। भाई कहती है इससे तो फिर क्या कहूँ, अंकल कहूँ इसे। ये मेरा भाई है, डीएनए टेस्ट से साबित हो गया। ये मेरा भाई है और मैं इसकी बहन। क्या हुआ? किसी डीएनए टेस्ट के बारे में बता रही थी हमें। हाँ वैसे तो मैं फिजा के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब इसने बता दिया तो मैं भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मारवी मेरी बहन है। लेकिन कैसे यार? मैं हाथ धो के आता हूँ फिर बात करता हूँ। बाय द वे मैंने कॉल की थी उन्हें, न जाने कहाँ हैं वो दोनों। फखरी साहब के गाने गाने की आवाजें आ रही थी। कुछ अजीब सी बातें नहीं कर रही आज? ऐसे क्यों देख रहे हो रहमत, इतने हैरान क्यों हो? क्या मेरा भाई मेरा ख्याल नहीं रख सकता? उम्मीद करती हूँ तुम भी अपनी बहन का ख्याल इसी तरह रखोगे। मालवी एक बात कहूँ, अचानक से तुमने हमारे घर के मामलात में बहुत दखल अंदाजी शुरू कर दी है। सिर्फ बासित की वैसे बर्दाश्त करते हैं हम तुम्हें, तो बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। क्या ख्याल है? अच्छा मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे यूनिवर्सिटी का बहुत सारा काम करना है और बेहतर ये होगा कि इस वक्त मैं चला जाऊं, क्योंकि आपों को मेरी जरूरत भी नहीं। चलो ठीक है, गुड लक। खुदा हाफिज। कैसी हो सारा? ठीक। दिया कहाँ है यार, मेरा फोन भी नहीं उठा रही वो। इस वक्त अपने कमरे में है, लेकिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। लेकिन अब किस बात को लेकर वो इतने ज्यादा गुस्सा है? खैर ये बात छोड़ो, प्लीज तुम उसको जाकर बता दो कि मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ यहाँ पर। प्लीज बता दो कि उसे। मैं जाकर बताती हूँ तुम्हारा उसे। ये ऐसे हंस क्यों रही?
दिया, दिया तुम इतनी गुस्से में क्यों यार? और ये बताओ मुझे यार कि कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ मैं। अगर मुझे तुमसे बात करनी होती तुम्हारा फोन उठा लेती मैं। अब हटो रास्ते से। इसी वजह से तो मैं तुमसे घर मिलने आ गया। दिया मुझे बताओ ना यार कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वैसे ही मैं बहुत थका हुआ हूँ। थक गए हो तो घर जाके आराम करो, सो जाओ ना। आई विश दिया कि मैं सो सकता। दो बातों की वजह से मैं नहीं सो सकता था, उसमें से एक तुम हो और दूसरी कि उन लोगों ने हिकमत को हॉस्पिटल में रख लिया है। यार मैं तुम्हारी फैमिली के मसले सुन सुन के थक चुकी हूँ। मेरे अपने ही मसले बहुत हैं। मैं इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि तुमने मुझे फोन नहीं किया, बल्कि इसलिए गुस्सा हूँ कि तुम ठीक हो, तुमने मुझे ये नहीं बताया। अच्छा आई एम सॉरी दिया, तुम्हें पता तो है कि इस किस्म की हरकतें करता रहता हूँ मैं। और वो जो क्वेश्चन मुझे प्रोफेसर ने दिया था वो भी मैं। रहमत यार मुझे नहीं सुनना है ये सब कुछ। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसे खुद सॉल्व करो। तुम्हारी जिंदगी में कोई बैलेंस ही नहीं है यार। जहाँ कोई मसला देखते हो उसके पीछे भागते हो, भूल जाते हो कि तुम्हारे पीछे कौन कौन है। और जब वापस आते हो तो चाहते हो कि सब कुछ वैसे का वैसे ही दिया हो। मैं तुम्हें भूला नहीं था। रहमत तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या? तुम्हारी लाइफ में सबसे पहले मुझे होना चाहिए और किसी भी मामले में तुम्हें मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसी को प्यार कहते हैं। वाकई दिया ने अभी अभी कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। अब तो वो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। फरुख मेरा दाग तो गायब हो गया, दिखाओ मुझे। यार ये तो जादुई क्रीम है किरण, देखो मेरे दाग गायब हुए क्या? वैसे नजर तो नहीं आ रहे। हाँ अब तुम देखना हम ये पूरा बॉक्स ही बेच देंगे। बच्चों स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो आ जाओ। आ रहे हैं बासित भाई। मैं तो कहती हूँ अगर ये लोग स्कूल नहीं जाना चाहते तो ना जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपा नहीं बदलेंगे, वो लोग हमारा घर गिरा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे आएंगे तो नया घर ले लेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल, तुम अपने लिए एक पूल वाला घर खरीद लेना, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। ये जबरदस्त है, आप और लीजिए ना बाबा। अरे वाह। जब पैसे आ जाएंगे ना मैं आपको एक नया फ्रिज ले दूंगी, उसमें सिर्फ हम आपकी ड्रिंक्स ही रखा करेंगे। तुम कितनी अच्छी बातें करती हो मेरी प्यारी बेटी, मेरी हसीन बेटी, बहुत ही हसीन बेटी। जरा जैतून पकड़ाना। यार फिजा हो क्या गया है तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? नई फिजा अच्छी नहीं लगी क्या, पसंद नहीं आई क्या? मैं बताओ, क्योंकि मुझे तो अच्छा लग रहा है ये चेंज। तुम बताओ मारवी। हाँ सच सच बताना बिल्कुल। हाँ दरअसल आप तो मुझे इसी हालत में अच्छी लग रही हैं। ये हुई ना बात। अच्छा ये बताओ कैसी है तुम्हारी पुरानी भाभी? जब रिपोर्ट देखकर पता चलेगा कि भाई मर चुका है तो डिप्रेशन में आ जाएंगी, फिर पता चलेगा उन्हें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाबा बस भी करते हैं, जाना नहीं है क्या? अरे यार मैं तो तुम्हारे इंतजार में घर आता। हमारे अमीर होने के दिन करीब है। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, मेरी वापसी तक हम अमीर होंगे। हाँ ठीक है ठीक है, हम वापस आएंगे तो मालदार होंगे। चलो ख्याल से जाओ, खुदा हाफिज, रास्ते में खर्च नहीं कर देना। भाई वाकई क्या हम अमीर हो जाएंगे? यार वो जा रही है बासित, अगर वो वाकई में पैसे ले आई क्या करूँ मैं? क्या वो सब रकम ले लेगी क्या? इस बात पे परेशान हो तुम, क्या हो गया तुम्हें? पहले बात को समझ तो लो मेरी, बासित को जेल भी हो सकती है फ्रॉड के केस में अगर उसने ऐसा कर लिया। मारवी चलो चलो, टाइम जाया नहीं करो, नेहा के घर से जो भी तुम्हें मिले वो ले आना और मुझे फोन पे इन्फॉर्म करती रहे। ओके ठीक है भाई, खुदा हाफिज। ठीक है खुदा हाफिज। बच्चों आ जाओ। बासित मुझे तो डर लग रहा है अगर फिजा ने ऐसा वैसा कुछ कर लिया तो। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम परेशान नहीं हो, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। अगर मुझे फिक्र है तो सिर्फ फखरी साहब की। किरण चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। वो तो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, कुछ पैसे तुम अपने पास रख लो, बाकी मुझे दे देना, मैं बैंक में जमा करा दूंगा, उसका मुनाफा आता रहेगा, ठीक है ना? तुम परेशान मत हो, ये काम मैं कर दूंगा। बाबा क्या आपको वाकई लगता है कि मैं उन पैसों को इस्तेमाल करूंगी या उन पैसों को हाथ भी लगाऊंगी? मुझे पता है कि तुम वो पैसे नहीं लोगी, मैं बहुत अच्छे से अपनी बेटी को जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाओगी। तुम मेरे दामाद को बस तंग करना चाहती हो, इसलिए ये सब कर रही हो ना? हाँ समझदार है आप। अब आप जाइए, मुझे और भी काम है, चलिए जाइए बाबा। तो अब क्या करोगी? मैं देख लूंगी, ये मेरा मसला है, आप जाइए।
इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता हूँ, कितना अच्छा रहेगा। अच्छा। आखिर बाप हूँ तुम्हारा, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे। तुम्हें सारी मुश्किल और परेशानी अपने कंधे पर लेने की जरूरत नहीं है, खुश रहा करो यार। समझ गई मैं, अब मुझे जाना है, खुदा हाफिज। हाँ ठीक है, चलो जाओ जाओ। संभाल कर बेटा, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं, जाओ। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम अपने बाप को नहीं जानती। मेरी प्यारी सी बेटी, कुछ 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 तुम मेरे पास रहोगी। खैरियत तो है रहमत? जी बिल्कुल सर। कोई मसला है क्या? वो दरअसल मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सर। क्या? अभी दिखाता सर, पहले तो लगा कि सॉल्व नहीं होगा। सर आप खुद देख ले, जब सॉल्व करना शुरू किया मैंने इस क्वेश्चन को, तो बस ये ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला गया सर। और सर ये मैंने अकेले सॉल्व नहीं किया, बल्कि दया ने भी हेल्प की है मेरी इसमें। इससे पहले मुझे नहीं लगता था कि वो भी इतनी जीनियस है सर। सर कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? ठीक है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मुझे एक जरूरी कॉल भी करनी है, बाद में बात करते हैं इस बारे में। अच्छा मैं जाता। सर मैंने ठीक से सॉल्व तो किया ना इसे? हाँ लगता तो ऐसा ही है। चलो तुम जाओ। जी मैं चलता। जो जो तुम्हें क्या लगता है फिजा की जगह हम इनसे काम लेंगे? अरे मुझे क्या मालूम फकरी, तुमने बोला मैं ले। जो जो तुम्हें तुम्हें। हाँ तो खैर, मैं अपनी हसीन बेटी की जगह इनमें से किसी एक को तो अपने साथ ले ही जा सकता हूँ। अरे देख लो फकरी, किससे शक्ल मिलती है फिजा की। उफ जोजो, बंद करो अपना मुंह, कुछ देर के लिए तो मुंह बंद रखो तुम अपना। हाँ ये ठीक है, यहाँ आओ यहाँ। आई गंदी है, इसे तो बहुत अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा, इसका हम हुलिया ही तब्दील कर देंगे। चलो आओ तुम मेरे साथ, चलो 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 चलो। Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. ये जो आप लोग क्रीम देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये क्रीम बहुत ही कमाल की है। मुकम्मल निजात मिल जाएगी दाग धब्बों से, ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कोई जादू। हल्के से लगाएं और देखें फिर। मेरी अम्मी कहती हैं कि ये दाग धब्बे किसी चीज से खत्म नहीं होंगे, अपने आप चले जाएंगे। शायद तुम्हारी अम्मी को उस क्रीम के बारे में मालूम नहीं है। ये क्रीम एक बार लगाओ बस, सुबह सो के उठोगे तो चेहरा चमकेगा तुम्हारा। फरुख सोच समझ के बात करो यार। मैं क्या बोल रहा हूँ पता है मुझे?
वाकई में मैंने इस क्रीम को खुद इस्तेमाल किया है और मेरा चेहरा साफ हो गया, आप देख सकते हैं। मैंने सुना है ये दाग धब्बे धूल मिट्टी की वजह से होते हैं, इसलिए हमें चेहरे को साफ रखना चाहिए। वो तो हमें दिख रहा है कितना साफ है चेहरा तुम्हारा। हो सकता है ये क्रीम नहीं खरीद सकता हो, मजाक मत उड़ाओ उसका तुम। आखिर मैंने इसको ऐसा क्या कह दिया किरण, सिर्फ मुंह धोना काफी नहीं होता, क्रीम भी लगानी पड़ती है, फिर देखना चेहरा। तो क्या मेरी अम्मी गलत बोलती है मुझसे? हो सकता है वो तुम्हें ऐसे ही देखना चाहती हूँ। मगर वो ऐसा क्यों चाहेंगी? जाहिर सी बात है, अगर तुम इस तरह से दिखोगे तो कोई भी लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी और इस वजह से तुम अपना सारा वक्त पढ़ाई में ही लगाओगे। ऐसा नहीं है। फर्क तुम भी क्या अजीब सी बातें कर रहे हो। सही कह रहा हूँ मैं, अगर तुम्हारी किसी से दोस्ती हो जाएगी और तुम पढ़ाई में वक्त कम दोगे उसके साथ ज्यादा गुजारोगे। मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरा बहुत मजाक उड़ाती है, कहती है कि मेरी शक्ल पिज्जा जैसी है। तो इंतजार किस बात का है तुम्हें? जल्दी से ये क्रीम खरीदो और रात में लगा के सो जाना, फिर देखना सुबह चेहरा चांद की तरह चमक रहा होगा, समझी? दू क्या? हाँ ठीक है, फिर एक दे दो तुम मुझे। एक मुझे भी देना। एक मुझे भी दे दे। पहले आइए पहले पाइए। हाँ अरे वहाँ क्या खड़े हो, आके ले लो ये। तुम्हारी धमकियों से तंग आ चुकी हूँ मैं, समझ आई तुम्हें? अगर आइंदा मुझे परेशान किया तो कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी, गिरफ्तार करवा दूंगी तुम्हें। अब फोन मत करना मुझे, समझे? मारवी आपा, मैं छुप गया, ढूंढे मुझे। तौफीक साहब कैसे हैं आप? मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ ही देर पहले आपका पार्टनर मुझे धमकियां दे रहा था। ठीक है बात कर लें, मैं नहीं चाहती कि किसी को कुछ पता चले, मैं आती हूँ आपके पास। ठीक है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? शिराज और मैं हाइड एंड सीक खेल रहे थे, उसी को देखने आई थी। मारवी आपा, आपने ढूंढा नहीं मुझे। अरे तुम वहाँ पर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, कहाँ छुपे हुए थे तुम? अभी पकड़ती हूँ मैं तुम्हें, जरा रुको, तुम एक मिनट रुको जरा। पकड़ लिया। मैं जा रही हूँ। ठीक है आप आराम से जाएं, मैं देख लूंगी इसे। तुम्हें जज का शुक्रगुजार होना चाहिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो तुम्हारी जमानत कभी मंजूर नहीं करता। इन कागजात पर दस्तखत करो। मगर मेरा कसूर क्या है? असल में तो हिरासत में उसे होना चाहिए जिसने मेरे बेटे को अगवा किया, मगर ये आपके बस में कहां। जबान संभाल के बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। हिकमत मुजरिम नहीं है, वो बीमार है और हॉस्पिटल में है इस वक्त। और हिफाजत में रखा कहां है उसे? उससे तुम्हारा क्या मतलब? मैं बस उसके लिए फूल लेकर जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा ऑफिसर। ज्यादा एफिशिएंट मत बनो। एक प्रॉब्लम हो गई है, चलो जल्दी। खामोशी से यहां से जाओ और आइंदा से हिकमत और उसकी फैमिली के आसपास ना देखूं मैं तुम्हें, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जाओ यहां से। हिकमत, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह बीमारी का ड्रामा करके बच जाओगे मुझसे? ये बताइएगा हिकमत कौन से कमरे में है? आप रिश्तेदार हैं उनके? हाँ रिश्तेदार हूँ मैं उनका, जल्दी बताइए मुझे। सॉरी उनसे कोई नहीं मिल सकता। हद हो गई, क्या मतलब है इस बात का? मेरा उससे मिलना जरूरी है, मुझे उसके कमरे का नंबर चाहिए। आखिर किसी को उससे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा?
तुम लोगों को क्या लगता है उस जालिम आदमी को अपने तहफुज में रख पाओगे? हाँ, सबको कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे? आखिर ये शख्स हिकमत है कौन जो सब उसे बचाने में लगे हुए हैं? आखिर हो कौन तुम और मेरे भाई से क्या चाहते हो बताओ मुझे। क्या चाहता हूँ? उसने मेरे बच्चे को अगवा किया है, मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काया है। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे बस उस हिकमत से मिलना है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे, उस लड़के को बुलाओ। वो बीमार है इसीलिए ऊपर कमरे में, और तुम उससे क्या चाहते हो? बीमार है वो? अगर वो बीमार है तो उसे इस तरह खुला क्यों छोड़ा है? जंजीरों में बांध के रखो उसे, या पागल खाने छोड़ के आओ ताकि वो किसी और का बच्चा अगवा ना कर सके। जुबान संभाल कर बात करो। याद रखना, मैं उसकी जान ले लूंगा। बताइए, ये आदमी ऊपर तो नहीं जा सकता ना? बिल्कुल नहीं, आप बेफिक्र होकर जाइए, हम लोग हैं यहाँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि फिजा यहां नहीं आई और उसने पैसे भी नहीं लिए, ऐसा ही है क्या? ठीक है, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, शुक्रिया, बाय। देखो, मैंने कहा ना, वो मुझे तंग कर रही है, वो ऑफिस गई ही नहीं। पता था मुझे। मैं अभी उसे कॉल करता हूं, मेरे ख्याल से हम उसे बता दें कि हम सब जानते हैं। क्या मसला यार, उसका फोन ऑफ है। जाहिर सी बात है, वो नहीं जानती कि हमें मालूम है। वो चाहती है कि हम समझे कि उसने पैसे ले लिए हैं और अपने बाबा के साथ मिलकर खर्च कर रही है, तभी तो मोबाइल ऑफ कर दिया उसने। तो तुम्हें यूं लगता है? हाँ, तो और क्या वजह होगी? तुम्हारे फोन को क्या हो गया अचानक? कुछ नहीं, मारवी है, उसने कुछ कागजात की तस्वीरें भेजी है मुझे जो उसने यहाँ के घर से मिली है। हेलो मारवी, चेक करता हूँ इन्हें, शायद इनसे कोई फायदा हो सके हमें। भाई, वो नेहा किसी आदमी से फोन पर बात कर रही थी, वो उसे धमका रहा था, यकीनन उसका कोई दुश्मन है। वो कह रही थी कि अगर वो उसके करीब आया तो वो उसे जेल करवा देगी। फिर वो किसी तौफीक नामी आदमी से मिलने चली गई, शायद तुम जानते हो उसे। क्या तौफीक? मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। उसका पूरा नाम क्या है? कुछ कहा उसने तुमसे इस बारे में? नहीं, उसने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। ओके, ठीक है, ठीक है, फिर रात में बात करते हैं। ओके, कोशिश करना वहां से कुछ और मिले और उसकी तस्वीरें मुझे भेजना, ठीक है? ठीक है भाई, फिक्र मत करो। चलो ठीक है, फोन रखता हूँ मैं। ओके, बाय बाय। चलो ठीक है, इन बातों को छोड़ो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बहन को कैसे संभालूंगा। इस बार मुझे पूरा यकीन है कि वो एक सेमेस्टर निकाल लेगी। अब क्या हाल है उसका, ठीक है? हाँ ठीक है, बिल्कुल, हरकतें वैसी ही है उसकी। एक्सक्यूज मी सर, बाहर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। भेज दो उन्हें। आप अपने गेस्ट से जाके मिले, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ठीक है बेटा, अपनी बहन का बहुत ख्याल रखना।